नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल के संरक्षण में दुमो नाट्य समूह के पहल पर आज से 15 अक्टूबर तक एक महीने का नाट कार्यशाला का आयोजन किया गया। ओए अपन कलाकार गणेश पेगू की स्मृति में मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल के संरक्षण में दुमो नाट्य समूह की पहल पर मिसिंग द्रीरब्री कोबांग एवं ताकाम मिसिंग परिन कोबांग गोगामुख क्षेत्रीय के सहयोग से आज से 15 अक्टूबर तक एक महीने का नाट कार्यशाला का आयोजन किया गया है। गोगामुख के आपतानी लत्ता क्षेत्र में आयोजित इस एक महीने की नाट कार्यशाला का उद्घाटन समारोह आज मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल के गोगामुख निर्वाचन क्षेत्र के जनरल मेंबर राजू पेगू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यशाला का शुभ उद्घाटन डॉक्टर अनिल पेगू ने किया। ओयप्पन कलाकार गणेश पेगू के चित्र में माल्यार्पण किया मिसिंग सांस्कृतिक साधक एकलव्य गाम ने। प्रशिक्षार्थी शिविर का उद्घाटन मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल के कार्यकारी सदस्य प्रशांत कुमार बाड़ी ने किया। असम के डिब्रूगढ़, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, तेजपुर, लखीमपुर आदि से 160 युवाओं ने इस कार्यशाला में भाग लिया। আনন্দ লম এই আমি এস্কাশনত যোৱা আগতে বা পিকনিক হওক তেনেকুৱা দৃষ্টিভংগীৰে মনোভাৱে যদি আহিছে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাক এতিয়াই বিদায় দিব আৰু বাকী যিসকলে ইচ্ছা কৰি আহিছে তেখেতসকলক মই 100% আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু আমি নাটক নিশিকাওঁ, নাটকক লৈ খেলিম, আপোনালোকৰ লগত খেলিম আৰু খেলাৰ মাজে আমি নাটকৰ কিছু জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লখিমপুৰ চে ৰাহানুদ্দিন আহমেদ কি ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार के गो सुरक्षा कानून के खिलाफ आज शिवसागर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार के गो सुरक्षा कानून के विरोध में जिले के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 से भी ज्यादा गोपालकों ने बुधवार को शिवसागर के राष्ट्रीय सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न हिस्सों से आए गोपालक गोरक्षा अधिनियम के खिलाफ धरना कार्यक्रम लागू करने के लिए शहर के स्टेशन चौराहे पर ताई सांस्कृतिक विकास केंद्र के पास एकत्र होकर हाथों में प्लेकार्ड, बैनर आदि के साथ गोरक्षा कानून को निरस्त करने जैसी नारों के साथ जिला उपायुक्त कार्यालय की ओर मार्च किया। विरोध कार्यक्रम के अंत में गोपालकों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य सरकार के गोरक्षा अधिनियम में गोपालकों को उनके जीवन और जीविका के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराते हुए गोरक्षा अधिनियम को निरस्त करने अन्यथा पशुपालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग को लेकर एक स्मारक पत्र प्रेरण किया गया। আজি আমি গোপালক সকলে ইয়াত আহিছো হেতু কথাৰ পৰাই মানে যেতিয়া আমাৰ গোপালকক মানে চৰকাৰে বন্ধ কৰিলে বজাৰ খিতা তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ অকমান বিকল্প গতি আহিছে। কাৰণ বিকল্প মানে কি আৰু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী নাতি নতিকিটাকতো আমি কেতিয়াও মানে টকা পইচাৰ অভাৱ হোৱা নাছিলোঁ। অভাৱ মানে গৰু পিটি পেলাই হ'লেও আমি যিকোনো প্ৰকাৰে ইহঁতক পঢ়াই আছিলোঁ। এতিয়া চাইছোঁ মানে গৰু বেপাৰ বন্ধ হোৱাৰ লগালগ আমি বৰ দুখত পৰিছোঁ। দুখত পৰিছোঁ মানে আমি এতিয়া গৰু বিকি খাব নোৱাৰিছোঁ আৰু ধন টকা পইচাৰ অভাৱ অভিযোগ হৈছেগৈ। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া আমাৰ কেতিয়াবা পিন্ধা সুৰাও অসুবিধা হৈছে বা স্কুল কলেজলৈ পঢ়াবলৈ অসুবিধা হৈছে। ডিব্ৰুগড় জিলে কে মৰাণ মহমৰা চাই বাগান কে পাছ এক নালে মে ভাৰী মাত্ৰা মে এলপিজি চিলিণ্ডাৰ বৰামদ কিয়া গয়া। ডিব্ৰুগড় জিলে কে মৰাণ মে মহমৰা চাই বাগান ৰোড কে পাছ एक नाले में मंगलवार की रात भारी मात्रा में एलपीजी सिलेंडर बरामद किया गया। मोरान पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर सिद्धेश्वर बोड़ो के नेतृत्व में पुलिस की एक वरिष्ठ टीम ने सिलेंडर बरामद किए। मोहमड़ा चाय बगान रोड के पास नाले से 48 खाली एवं 27 भरे हुए एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। इसके अलावा पुलिस ने सिलेंडरों के पास ही सिलेंडर से भरा AS23BC6647 नंबर वाला ट्रक देखा।
लेकिन मौके पर कोई मौजूद ना होने की वजह से पुलिस ने ट्रक सहित सिलेंडरों को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच जारी रखी है। मोड़ान से जीतू संगमई की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 15 सितंबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1812 में नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना मॉस्को के क्रेमलिन पहुंची थी। 1860 में भारत के सबसे बड़े इंजीनियर समझे जाने वाले एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। इसे देश में इंजीनियर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। 1876 में भारतीय उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। 1890 में हरक्यूल पॉयरोट, मिस मार्पल और पार्क पाइन जैसे जासूसी किरदारों में जान डालने वाली अगाथा क्रिस्टी का जन्म हुआ था। 1909 में द्रविड़ मुनेत्र कषगम के संस्थापकों में से एक सीएन अन्नादुरई का जन्म हुआ था। 1927 में प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था। 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला पोत INS दिल्ली मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा था। 1959 में भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। 1971 में दुनिया को हरा भरा और शांतिपूर्ण बनाने के संकल्प के साथ ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी। 1978 में आर्मेनिया की अरेरट एरेवन ने पहली विदेशी टीम के तौर पर मोहन बागान के साथ संयुक्त रूप से IFA शील्ड जीती थी। 1981 में वानुआतु संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। 1982 में लेबनान के निर्वाचित राष्ट्रपति बशीर गेमायल की पदासीन होने से पहले ही बम विस्फोट में हत्या कर दी गई थी। 2001 में अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति को अफगानिस्तान पर सैनिक कार्यवाही की मंजूरी दी थी। 2008 में अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक लीमैन ब्रदर्स ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था। ये अब तक की अमरीकी इतिहास के दिवालिया होने की सबसे बड़ी घटना थी। लीमैन का दिवालिया होना वैश्विक मंदी के कारकों में से एक था। 2008 में क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने अमेरिका की MSI ग्रुप कंपनी का अधिग्रहण किया था। और आज ही के दिन सन 2012 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पांचवें सरसंघ चालक KS सुदर्शन जी का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।